और इस तरह से वो कहता है और नम्रता जो है कमुत बाकटेगा जिंग प्रखात यलादे पंगिदे की बदुना और ये इसका अर्थ ये है कि हम सोचते हैं कि जय ही मसीह याई मो यों ट्राई परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ना कबदा कने का पौर कब कोडोर और आज के इस कीमती समय के लिए कब उलयो बन यलाम यंगी कुम की खून की जौ ब्ले और जैसे कि परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ पर लाया है एक परमेश्वर की संतान होने के नाते हाँ कने का डिस्ट्रिक्ट और आज के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ कब इन यो बन यलुम लांग का वे ताकि हम एक साथ एकजुट हो सके यहाँ कब इन यो बन शक्रिय उतराए और हम परमेश्वर की सेवकाई कर सके Kadok kemen siam kejong agak dap lagi jing snow mo, bat lagi jing snow kemen ke bakrau, habang in yo i kat ni ki pai lang kejong utrai, ki yo banya long lang agak bayar sok kawe. और मेरा मन बहुत ही आनंदित है और खुशी से परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि जब मैं इतने सारे लोगों को जो परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं उसके लिए नाडु का खिदमत कबंगी मी ना का मिशन सेंटर कबंगी सांग तया खारगुली और जब हम खारगुली जगह जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से हम निकले हैं नीला यो बन पाई ना कबसुक खादु करने के जगह और यहाँ तक हम बहुत ही शांति से पहुँच पाए हैं बरन हाँ बंगी बन पाई है करने के जगह और जब हम इस जगह पर पहुँच पाए हबंग अपेट साउडोंग और जब मैं चारों तरफ देख रहा था और जब मैं अपने पीछे देख रहा था जब मैंने देखा या कि शक्री की जो उतराए परमेश्वर के दासों को और मैं थोड़ा सा घबराया और कांपने लगा और उनके नम्रता के गुण के विषय में मैंने देखा है और मेरे पीछे जो पास्टर्स लोग बैठे हैं कि बल अपनी यंग यंगा जिन्होंने मुझे खड़ा किया है हाँ का स्टेप का वो मंदा आज की इस सुबह मंगनिया शाम का अख्तियार का जॉन ब्ले ताकि मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूं हर फिर पेट हर का प्रोग्राम अगर आप प्रोग्राम में देखेंगे कभी का प्रोग्राम के जो मी पास्टर अल्बर्ट रोंगहांग और वहाँ पर प्रोग्राम में लिखा हुआ है जो नाम पास्टर अल्बर्ट रोंगहांग का है और मैंने सोचा था कि शायद वो इस सेवकाई में उपस्थित नहीं होंगे लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँचा और मैंने देखा कि वो पीछे में है अगर उनका शरीर स्वस्थ नहीं है फिर भी कभी इन्हें शक्ति लंग या उतराए लेकिन फिर भी वो इस जगह पर पहुंच पाए हैं कि प्रभु की सेवा करने के लिए तो बले उन्हें बनकर खू ये भी पास्टर पास्टर आपको परमेश्वर आशीष करे आई खूब ले ये कि पास्टर इंचार्ज छा करने का डिस्ट्रिक्ट और इस डिस्ट्रिक्ट के सभी पास्टर इंचार्ज को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बले ये पाई बच्ची बले दान ना दुख बस दंग जो के जिंग शक्री और जो यहाँ पर पहुँच पाए हैं और जो शुरुआत से ही इस सेवकाई में उपस्थित है इवांजेलिस्ट और जितने भी इवांजेलिस्ट है और कमजोर हो या का ऑफिस जंग का डिस्ट्रिक्ट हागने का जाका हागने और इस जगह के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसर लोग हैं सभी को भी धन्यवाद उबले उनकर खूब परमेश्वर आशीष करे खमतम ए या कि परमगेन नागने का बलंग कि बला पदियांग बाकी बला पन क्रे कट करने का जीएसएन और विशेष करके धन्यवाद देता हूँ इस मंडली को जिन्होंने इस सेवकाई को अपनाया है और इतनी तैयारियां जो की है उनके लिए और मैं आया हूँ एक साथ इस समय मेरे पत्नी के साथ और जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं मेरे नजदीक में और जब से अपने पवित्र विवाह को हमने पूरा किया है जैसे कि हम कहते हैं और हम एक हो चुके हैं और हम सच में ऐसे ही हुए हैं हाँ का मिशन फील्ड बंगे यो बन्या त्रे और जिस मिशन फील्ड में हम लोगों को काम करने का मौका मिला है उबले उम्शम लबो तंग येगा और परमेश्वर ने सिर्फ मुझे नहीं रखा है अंदर लबो लंग मंता ये कुरे जोंगा लेकिन उसने मेरे पत्नी को भी रखा है बन्या त्रे लंग के काम के जोंग ब्ले ताकि परमेश्वर के काम को एक साथ कर सके हाँ का निका लिंक हाँ मिशन के बन्या गुवाहाटी और जो मिशन फील्ड में जो गुवाहाटी में है वहाँ पर गाय खुबले की परलोक की जोंगा रुकी भैया बन्या सुनरानंग और मैं अपने दोस्तों को भी धन्यवाद देता हूँ जो मेरे साथ आए हैं परमेश्वर आपके साथ बने रहे और परमेश्वर आपको आशीष करे ते हबाई
evangelist Bakir ila calling am nen aur jab evangelist Bakir ne mujhe call kiya kal gala hagaji ji shaan gala mo wanna do ka saturday aur sach mein main shanivar se hi yahan par upasthit hona chahta tha hanre ki kitna pa ka khapor jan mir ru lekin humne yaad kiya ki raat ke samay bhi hadiyat bangi kam mot chu banwan chane ki kitna ko dan sakwai ka program am tiya guwahati ka bangilaya kular bangin ya jannan और यहाँ पर आने से पहले हमें याद आया कि गुवाहाटी में भी एक प्रोग्राम था जहाँ पर हमने वादा किया था कि हम लोगों को जाना है एक साथ रहेंगे और वैसे ही हमें आने का मौका नहीं मिला कल के दिन से मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर तिलसन को नाडो नकरबी और कार्बियांग लोंग से इलायो बनवान या कबन या सामे का खतियन के जाओ ब्ले बनगा कालों से गजिंकर को ना का बदना जो भी बारो और कार्बियांग लोंग से वो आकर प्रभु के वचन को बांटे हैं हमारे बीच में और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सभी के लिए एक आशीष का कारण बना होगा तेना का बदना गपोर और इस समय के लिए नला दुआई जोर मैंने जोरदार प्रार्थना किया है नला कली ना उतराए और मैंने परमेश्वर से पूछा है यह का खूब और का मंगन करने का स्टेप और उस समाचार को कि आज की सुबह जो मुझे प्रचार करना है बट का वन का जिंशाई का बात ठीक ना और एक सही जो सच्चाई में जो वचन आया है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और उसने मुझसे बात किया है और वही मुझसे मुलाकात किया है ताकि मैं उसी विषय में बात करूं और एक विषय की में तो आइए हम प्रार्थना करें इस समय लॉन्ग ब्लैक खुए का करते हैं Kajong try bol play jongi bolong siem jogi siem baru try jogi try bolong alpha baru omega ubas dang baru berkut ya perkentang gen ko paya gen ke por gen ke selamat gila duai ki prap gen gila duai try ya gen ke jing syakri ban gen gen scam ban menap ino yang ni ban melong ringkat sim gen ko try jisu habau syakri ujang me uyo ban ya sam ban kum jo dam daga syakri ke jame ke ban ya ban pen kelaktin kandan ke jing day bat kandan gen ko try ke bor ke jong me bat ba baro gen ko pa bi jong la ki ban ya ban syas ko gen ko try kin yo si syak gen ko try ya ke jing pen gen do kin yo ban ma si syak gen ko try ya ke jing kren ke ba wan ji jano men sim ba ko jong me da ke bang ye duai ban ye pa ni ki ne ka kerteng ke dong jisu amen Tiga kupar ke bau try ulah yoban bo हागे ने स्टेप को मंदा और आज के इस सुसमाचार को जो मुझे रखना है आपके बीच में जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कलम हलो जो कवे का फल और एक विषय में है ये बना बो एक ने का फल हकने का रुकम और इस समय की जो विषय है मैंने इस विषय से रखा है कथा कलम कबोर जोंग का जिंग स्नोरेट और वो है ताकत एक नम्रता का कबा इन पिशोंग नोंग रेम ये का na ka gospel ka jong matias kalenong ka ba khat ka de khat ka ban ning kong hado ka basan aur agar hum dekhenge mati ki 18 uska 1 se lekar 5 tak aap payenge wahan par na nam pule ya ka agare ka por aur main usko is samay nahi padhunga henry ka bang na kren lekin jab jab main aapke beech mein bolunga in yo ban ya pet lang ya ka aur hum ek saath usko dekh payenge in yo ban ya pule lang ya ka aur usko hum ek saath pad payenge na ka wai ke dekhat sha ka wai ke dekhat aur ek pad se lekar dusre pad tak hello aur kani ka banda kabangi la ban sham ne ka gospel jo matias aur is vishay mein hum mati ki susamachar mein bhi pa sakte hain ab aap in pet bha ya ka background jong gane कलनों अगर आप इस अध्याय के बैकग्राउंड के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखेंगे भिन्शम आप पाएंगे बकदे शफांग की सनरान की जो यीशु और ये विशेष करके यीशु के चेलों के विषय में है का हेडिंग जो करने का बनता कलों उ ए उपकम क्राउ और इस विषय का जो हेडिंग है कौन है जो सबसे बड़ा है की सनरान की जो यीशु और प्रभु यीशु के जो चेले थे और वो सिर्फ मछुए थे और वो सिर्फ खेती बाड़ी करने वाले थे और वो टैक्स कलेक्टर थे और ऐसे ही दूसरे दूसरे काम करने वाले भी थे जो इसके विषय में बाइबल हमें नहीं बताती है
बच्चे की सुनवाण की जाऊं जीसु और यही प्रभु के जो चेले थे नादुबा किला बोध या जीसु और जब से उन्होंने प्रभु यीशु को पीछा किया है किला दोन बैन हकती हक जात जाऊं जीसु और वो सिर्फ प्रभु के हाथों और प्रभु के चरणों में ही थे बट नमार बाऊ जीसु और क्योंकि प्रभु यीशु ही हबाउ डॉन रिंगा बाकी और उनके साथ जब होता था और बहुत सारे ऐसे आश्चर्य काम उन्होंने किया था और एक आश्चर्य चिन्ह चमत्कार उन्होंने किया था कि जिंग पंखिया और चंगाई के कामों को भी किया था और जो शैतान के द्वारा बीमारी लोग होते हैं उनको भी वो भगाता था और जो मरे हुए लोगों को भी वो जीवन दान देता था कि काम के बाबू यीशु लले और जो काम प्रभु यीशु ने किया है और इसी के कारण सभी लोग उसको जानते थे और सभी लोग इस विषय में जानते थे प्रभु यीशु के विषय में बट नंबर बाकी सुन राम की जाऊं जी सुरु क्योंकि प्रभु यीशु के चेले भी किला लंकुम की ताकि बॉडीगार्ड की जाऊं जी सुरु और प्रभु यीशु के बॉडीगार्ड की तरह चौकीदार की तरह थे कि बन्या याद हर रिंग करूं जी सुरु और यीशु के साथ ही वो चलते थे बाकी प्रियों किला यो ई और लोगों ने उस चीज को देखा था अंतम यऊ जी सुरु सिर्फ प्रभु यीशु को ही नहीं और यीशु के द्वारा प्रभु के चेलों को भी उन्होंने जानना और पहचानना शुरू कर दिया था और हम ये कह सकते हैं कि ये प्रभु के चेले भी बहुत ही नामकारी हो चुके थे और यही कारण था कि उनका नाम महान हो रहा था उनके लिए जीवन में घमन और अहंकार उनके जीवन में आ रहा था मन्नो किम जुमात या कबकुम का ने का जिंगम और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी ऐसे चीजों को नहीं पाया था लेकिन जब से वो प्रभु के चेले बने और तब से लेकर उनको नाम और प्रभु में आदर उनको मिलता था महिमा मिलता था और अपने लोगों के बीच में यानी कि चेलों के बीच में वो आपस में ये बातें करते थे कि प्रभु के राज्य में कौन बड़ा होगा और कौन महान होगा और हम देखते हैं इस अध्याय में 18 अध्याय में यीशु प्रभु यीशु कहता है और अपने चेलों को प्रभु यीशु याद दिलाता है और उनको ये कहता है क्योंकि कोई कोई भी और इस बच्चे की तरह अगर अपने आप को नम्र करे की और वही बड़ा होगा परमेश्वर के राज्य में नमार बलादा निमला बलादा फिमला बन कलानो नगने का जिंगम के जोखी बलादा फिमला बन पनरित के लदे कुमुने उखना फिनम यो बन सुत और प्रभु कहता है कि अगर आप अपने जीवन को परिवर्तन ना करें और इस बालक की तरह नम्र ना हो तो आप प्रभु के राज्य में किसी भी रीति से प्रवेश नहीं कर पाएंगे और यहाँ से हम समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु हम सभी से यही चाहता है कि हम ऐसे व्यक्ति बने जो नम्रता से भरे हो अगर हम प्रभु यीशु के जीवन को देखें अगर हम प्रभु यीशु के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहें और उसका पूरी तरह से तरस कर यही होगा कि प्रभु यीशु पूरी तरह से नम्र था हबांगी राखी या का क्रिसमस
और जब हम क्रिसमस की सेलिब्रेशन करते हैं गुड फ्राइडे और कुछ हफ्तों के बाद कुछ महीनों के बाद हमें गुड फ्राइडे मनाने को मिलेगा और क्या है जो हमें याद दिलाता है वो दिन और हमें यही याद दिलाता है कि प्रभु की नम्रता के विषय में और हम उस चरणी को देखेंगे जहाँ पर प्रभु को सुलाया गया था और हम प्रभु के उस चरणी को देखेंगे जहाँ पर जानवरों के गोट में प्रभु को सुलाया गया था और अगर हम क्रूस की ओर देखेंगे जहाँ पर प्रभु मरा और हम देखते हैं नम्रता के लिए और यूहन्ना 3 उसका 16 पद कहता है और हम कहते हैं प्रभु परमेश्वर के प्रेम को संसार के लिए हम कहते हैं और जब मैं उसको पढ़ता हूँ और पढ़ता ही जाता हूँ और मैं ये नहीं पाता कि सिर्फ प्रभु का ही परमेश्वर का ही प्रेम है और मैं वहाँ पर पाता हूँ कि प्रभु की नम्रता भी वहाँ पर है और बिना नम्रता के और संसार के लिए कोई जीवन दान नहीं है और यही प्रभु की नम्रता प्रभु यीशु की और हम सभी को एक एक को जीवन दान देता है अगर प्रभु यीशु वो आया है नम्रता का रूप धारण करने के लिए अगर प्रभु यीशु नम्रता का रूप धारण करके इस संसार में नहीं आया होता तो हम सभी पाप में मरे हुए होते और क्या है ये नम्रता और बड़े बड़े लोग जो है ये सोचते हैं कि यो बन बताई जींस और वो लोग बताते हैं इस नम्रता के विषय में और अलग अलग तरीकों में C.S. Lewis और C.S. Lewis जो है उधर वही ना कि रियो प्रकार रियो स्टार बत्ते भाई का खत्म का जॉब ले और वो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति है ज्ञानी पुरुष है जो लोगों को बता सकता है दुनिया के बारे में और उसने इंग्लिश भाषा भी कहा है लेकिन मैं खांसी भी कहूँगा वो गुमने और इस तरह से वो कहता है का जिंक्स नौरित और नम्रता जो है कम्मत बाग दे के ताकि जिंक पर खात याला दे बंगे दे की बदुना और ये इसका अर्थ ये है कि हम सोचते हैं कि हम में कुछ कमजोरी है वो सोच और वो विचार है हेनरी लेकिन कदे का जिंक पर दुना और ये जो कमजोरियां हैं बन पर खात ये किया है और किसी भी विषय में सोचना ना कबंता याला दे और अपने ही विषय में सोचना बहुत समय ये जो प्रखात हम सोचते हैं बलदांगी अंग बंगी लॉन्ग की प्रयोग की बस नौरे अगर हम सोचते हैं और कहते हैं कि हम नम्रता के व्यक्ति बने और हमें अपने आप को गिराना होगा क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम छोटा बने और बहुत ही गिरा हुआ हम अपने आप को समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है और ऐसा महान व्यक्ति ने कहा है और नम्रता जो है कम दही का डाक जोंगे जिंग तलत और वो कमजोरी का चिन्ह नहीं है हनरई का दही का जिंग खलाइन लेकिन वो महानता और ताकत है कबला बंजले प्रशा जो जिसका विरोध कर सकते हैं या का मंसिम जोंगे जिंग सारों बंजे का मंसिम जोंगे जिंग स्नोमैन और जो घमंड और अहंकार से भरे हुए आत्मा का विरोध कर सकते हैं तो इनोलंग आमेन और हम एक साथ कहें आमेन और यही ताकत है नम्रता का और अभी हम देखेंगे हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे हैं और हमने अच्छे से नहीं समझा है क्या है वो ताकत नम्रता का तो और आइए हम एक साथ देखें सबसे पहला
कबोर जो गजिंग स्नो रेट और नम्रता का जो ताकत है कया रब मदद करता है या का जिंगम बशी में जोंगी और हमारे व्यक्तिगत जीवन को मदद करता है कता कलम कया रब यंगी बंगिन स्नो को बंगिन लॉन्ग कि रियल कि बपॉप और वो हमें याद दिलाता है हमें समझाता है कि हम जो है पापी मनुष्य है कया रब यंगी हमें मदद करता है बंगिन पिनरेट गलदे बंगिन कला कबमुत और हम वो हमें मदद करता है कि हम अपने आप को छोटा करें और अपने आप को परिवर्तन करें ना कि जिंग शास्ते अमराव जोंगी हा शैतान बता का पाप और पाप और शैतान की जो गुलामी के जंजीर ने हमें बांध कर रखा है उस चीजों से हगिरी की स्नेह को ममता आज के इन दिनों में मिस नो खान और अपने आप को हम बहुत ही घमंड और अहंकार करते हैं बंगी एमह का पाप कि हम पाप में जी रहे हैं मिस नो सरों और हम घमंड करते हैं बंगी दे उन्नों दी और हम पीने वाले हैं मिस नो सरों हम घमंड करते हैं बंगी प्रियम बन थक बन शुकर और हम बहुत ही चालाक हैं कि हम दूसरों को झूठ बोल सकते हैं और ठगा सकते हैं मिस नो सरों और हम घमंड करते हैं बंगी नंग बन पन बीट बन बन पन नॉट टेक यू वे और हम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं और दूसरों को पाप में डाल सकते हैं मिस नो सरों और हम घमंड करते हैं बंगी नंग कुम नो बा और हम दूसरों को कैसे पाप में गिराना है हम उन चीजों को जानते हैं और हम घमंड करते हैं कि हम अपने पाप को छुपा सकते हैं और हम घमंड करते हैं बंगिन पर खात के लगे हम ये सोचते हैं अपने आप में बंगिन लॉन्ग की ब्रियो की बाप प्यांग लुट लडोंग शडोंग और हम ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे जीवन में सब कुछ सही है ये सो सरोंग बंगिन ऑल बंगिन की ब्रियो की बम डन जिंग दुना ए ए रो ए और हम घमंड करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम ऐसे लोग हैं कि हमें कोई कमजोरी नहीं है लुकास लुका खप्रालम 18 अध्याय कदखत का बखंदा है लुका का खपसाउ और 9 से लेकर 14 पद तक ककरन चपाउ वे फारसी और वहां पर एक फारसी के विषय में कहा गया है वे उलोक्रम और एक खजाना उठाने वाले के विषय में कहा गया है फारसी और ये जो फारसी है नागमन से हम जो का जिसको सरम और एक घमंड और अहंकार भरे मन से वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है वो अपने आप में घमंड करता हुआ कर रहा है कि वो ऐसा व्यक्ति है कि उसमें कोई कमजोरी नहीं है सब कुछ सही है उसके उत्सर वो घमंड कर रहा है नमर क्योंकि क्योंकि वो पूरी तरह से पवित्र है और शुद्ध है वो समझता है और वो जानता है परमेश्वर के काम को करने के लिए और वो जानता है और बहुत ही ज्ञान है उसको परमेश्वर के वचन के विषय में उभया साम उभया आय और वो बांटता है और देता है जो परमेश्वर के काम के लिए और वो दान उठाता है और लाख लाख जो है प्रभु के लिए देता है और वो कहता है हे परमेश्वर और मैं तो उसकी तरह नहीं हूँ मैं उस पापी की तरह नहीं हूँ क्योंकि वो तो एक खजाना उठाने वाला है वो घमंड करता है लेकिन प्रभु यीशु उसने अपनाया है और यही खजाना उठाने वाले की प्रार्थना को प्रभु ने स्वीकार किया है और ये भीख मांगने वाला और वो घुटने टेक कर पनरेट और वो अपने आप को छोटा करके और वो कहता है अपने आप में हे परमेश्वर मुझे माफ कर दे मैं पापी मनुष्य हूँ और जो घमंड और अहंकार है और बहुत सारे परमेश्वर के संतान को नष्ट कर चुका है और घमंड जो है और हमें पाप में जो है मार चुका है और नम्रता जो है
हमें मदद करता है ताकि हम समझ पाए हमारे कमजोरियों के विषय में हमें मदद करता है ताकि हम अपने कमजोरियों को समझे और हमें मदद भी करता है कि हम सुने अगर कोई है जो हमें दिखा रहा है अगर कोई है जो हमसे बातें कर रहा है अगर कोई है जो हमें बता रहा है या सिखा रहा है और नम्रता जो है हमें मदद करता है ताकि हम जी सके एक पवित्र भरा जीवन कि खून की जो बड़े की बच्चा ना है और हम हमें मदद करता है कि हम ऐसे संतान बने परमेश्वर के जो सिद्ध है और हमें मदद करता है और मदद करता है हमें कि हम और भी कैसे जाने ताकि हम दूसरों को भी सिखा सके और हम भूल जाते हैं कि जो हम जानते हैं और जो हम समझ पाए हैं क्योंकि घमंड जो है और यही हमें बड़ा बनाता है और जो घमंड है और हमें ये समझाता है और हमें कोई जरूरत नहीं है दूसरों के सुनने की अगर कोई है हमें सिखाने वाला और हम समझते कि हम सही हैं और दूसरों के निर्णय को दूसरों के बातों को हम नहीं लेते हैं और सिर्फ मैं ही ठीक हूँ और मेरे जैसा और ये मुझे सिखाएगा और ये मुझे दिखाएगा और मेरे जैसे को और परमेश्वर का वचन नीति वचन कहता है और 19 अध्याय उसका 20 पद तो और दूसरे के मार्गदर्शन को देखो तो और शिक्षा को अपनाओ और तेरे पूरे जीवन भर तू तभी एक समझदार व्यक्ति बन पाएगा और इस तरह से कहता है और नीति वचन 13 उसका 10 पद और जब घमंड हमारे अंदर होता है और विरोध भी होता है लेकिन जो समझ है तो उन्हीं में है और उन्हीं के पास होता है जो अपनाते हैं दूसरों के निर्णय को और आज के इन दिनों में और अपने आप को बड़ा समझना और घमंड सब करना और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में है और ऐसे माँ पिता भी हैं कि वो फोन जो फोन करते हैं कि बना उसको भा से भगवान और वो कहते हैं कि मुझे अनुरोध है आपसे और हम माँ पिता को तो नहीं सुनते हैं और हम आशा करते हैं कि अगर आप कहें तो शायद वो सुनेंगे और हम अपने आप को बहुत ही बड़ा ज्ञानी समझ सके हैं और हम जो बच्चे हैं और हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं अपने माँ पिता जी से भी बड़ा शैतान और शैतान जो है और वही है जो हमें घमंड बना रहा है और इतना महान मात्रा में और यहाँ तक कि हम अपने माँ पिता को भी हम हिसाब नहीं रखते हैं और हम इतना हिसाब भी नहीं रखते हैं परमेश्वर के लोगों को कि भारत की न्यूकोर्शो ये की बला है की बला सन और छोटे जो है बड़े जो बड़े हो चुके हैं उनको भी हिसाब नहीं रखते हैं कपोर कला यार और समय जा चुका है बाकी भारत की नक्शो पर पूरा ये की बला है की बला सन और छोटे जो है अपनों से बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते हैं कि कौन की ये ले प्रशा ये की कमे की कपा और बच्चे जो है अपने ही माता पिता को विरोध करते हैं या कहे कि भाई मैं ही पाई ना वाले और जो अपने माता पिता कहते हैं कि नहीं करना है या कता के ले और उसी को वो करते हैं नमार का जिस तो सरम का जोंकी क्योंकि उनके घमंड के कारण नमार का जिस न्यौनाम का जिस न्यौते और वही समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं बलादान की डिग्री और हमारे पास डिग्रियां हैं बलादान की गर्दन के वफेर वफेर और हमारे पास बड़े बड़े उपाधि हैं मैं इधर ही बस शौक तक आई है और मेरी माँ तो सिर्फ घर में बैठने वाली है
tetap yang ini. Or pita tu sirip kam karte hai aur hame palte hai. Kim sip ayai yakane ka chuk ka jong in banta. Aur aap nahi jante hai hamare is generation ko is tarah se kehte hai. और यही घमंड सनातन जाति के बबून की खून क्रिस्तान के जिसने और बहुत सारे विश्वासियों के संतान को नष्ट कर चुका है यही घमंड कि पर बगैर विश्वासी किम स्नाप शो सुन नहीं पाते कि ब्रियो के जाओ ब्ले परमेश्वर के संतान परमेश्वर के दासों को उलापन सरो शैतान और शैतान ने हमारे अंदर घमंड भरा है ई मां के जिसने और बहुत ही डरावना है आज के इन दिनों में और दूसरा विषय जो है और नम्रता जो है हमें मदद करता है कि कैसे हम बढ़े कैसे हम बढ़ते जाएं और हमारे संबंध में जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है बहुत सारे ऐसे जवान बच्चे हैं जो कहते हैं और मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि मेरा जीवन प्रभु के साथ जो संबंध है बस सिर्फ इतना ही है और मैं चाहता हूँ कि मैं और भी बढ़ता जाऊँ और मैं बढ़ता जाऊँ और मेरे और परमेश्वर के संबंध में यीशु प्रभु यीशु उनका जुबा अपना को बता देते और आपके लिए उत्तर है उसके पास और वो कहता है आपसे अपने आप को नम्र में लाओ पहले अपने आप को नम्रता में लाओ और तभी आप बड़े बन पाओगे और आज के इन दिनों में हम जी रहे हैं और बहुत ही ज्यादा मात्रा में ज्ञान और जो बुद्धि है ज्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है टेक्नोलॉजी और बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं और मनुष्य और तभी वो अपने समझ में और ज्ञान में बढ़ता जा रहा है अगर आप आज के इन दिनों में मुड़ेंगे और सभी जो है खड़े हैं और अपने ही समझ में ज्ञान में वो बढ़ते जा रहे हैं अखबारों की बनता सभी विषयों में जहाँ भी हम मुड़े अगर आप चंगाई की ओर में मुड़े अगर आप आने जाने की यात्रा में मुड़े अगर आप काम काज के विषय में भी मुड़े और ऐसा देखने को मिलता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के ये संसार है जो बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमानी है और जो लोग जिनके अंदर ज्यादा ज्ञान और समझ नहीं वो कहाँ जाएंगे और आज के इन दिनों में बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन जो है चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा जो ज्ञान बढ़ता जा रहा है और जो समझ और बुद्धि जो बढ़ रहा है और उतना ही मनुष्य के अंदर घमंड भी बढ़ता जा रहा है और कभी उतना ही मनुष्य के अंदर अहंकार भी बढ़ता जा रहा है और परमेश्वर की जरूरत नहीं है अभी मनुष्य को कि फाटवाई बप्पांग बची तो अगर बीमारियों के लिए प्रार्थना करें भी प्लान बी और उनके पास प्लान बी है और उनके पास जो है दवाइयां हैं और हम ऐसे युग में जी रहे हैं अगर परमेश्वर चंगाई ना दे भी दवाई हमारे पास मेडिसिन है इंजेक्शन और इंजेक्शन है बहुत सारे ऐसे ज्ञान है जो इस दुनिया के हैं और जो आज के लोग परमेश्वर पर भी भरोसा नहीं रख पा रहे हैं और जब मैं आज के इन दिनों के ज्ञान और विज्ञान के विषय में मुड़ता हूँ और मैं ये देख पा रहा हूँ कि सच में ये यही ज्ञान और विज्ञान जो है मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर रहा है मनसुआ और पहले के दिनों में मदासा कमालंती अगर हम रास्ता भटक जाएं
क्या हम करते थे और हम सिर्फ परमेश्वर की तरफ मुड़ते थे और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं था। आज के इस ज्ञान के विज्ञान के समय में मोबाइल फोन हमारे पास मोबाइल फोन है अगर हम रास्ता भटक जाए और हम फोन करते हैं गूगल मैप और हम गूगल मैप के जरिए देखते हैं और बहुत सारे ऐसे और ज्ञान विज्ञान जो बढ़ रहा है और ये मनुष्य को बना रहा है कि हमें परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए हम देखते हैं आज के इन दिनों में हमारा जो देश है और हमारे जो लोग हैं और नष्ट हो रहे हैं और सिर्फ नष्ट हो रहे हैं और परमेश्वर का वचन नीति वचन 3 उसका 5 पद कहता है परमेश्वर पर ही भरोसा रखो अपने पूरे हृदय से और अपनी समझ का भरोसा मत रखना और भजन संहिता 10 उसका 4 पद कहता है इस तरह से कहता है और जो दुष्ट लोग हैं और अपने घमंड भरे नजरों से वो कहता है वो नहीं ढूंढेगा परमेश्वर को और उसके सोच विचार सभी वो होते हैं परमेश्वर नहीं है और हम इन दिनों में जीवित हैं और हम ऐसे ही जीवन में जी रहे हैं और हम दिखाते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। बोल बहुत सारे खुला और बहुत सारे आश्चर्य काम जाभा और घटना होता है और तभी ऐसा आश्चर्य काम घटता है जब लोग अपने अंदर कमजोरी होते हैं क्योंकि उनके अंदर वो समझ वो ज्ञान नहीं होता और उनके अंदर नम्रता होता है लेकिन जब ज्ञान और विज्ञान उनके जीवन में होता है और उनके अंदर एक आत्मा का घमंड रहता है और आश्चर्य काम और चिन्ह चमत्कार और उनके आगे कभी नहीं घटता और उनको कभी देखने का मौका नहीं मिलता और मैं याद करता हूँ और ऐसे गांव के इलाके में परमेश्वर के जन हैं जो प्रार्थना करते हैं का मोबाइल फोन जो की अगर उनका मोबाइल खराब हो जाए वो परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं और वो होता है उसमें वो इलेक्ट्रिक गिटार जो की अगर उनका इलेक्ट्रिक गिटार खराब हो जाता है और उनका जो इलेक्ट्रिक का वाला केतली जो खराब हो जाता है वो प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में और वो ठीक हो जाता है और जब पूरी रास्ता खत्म होने के बाद जब प्रार्थना करते हैं और अपनी मूर्खता में जब वो प्रार्थना करते हैं और हम जो समझदार वाले तो हम हंसेंगे मजाक उड़ाएंगे लेकिन परमेश्वर और वही है उसका ज्ञान और विश्वास और आश्चर्य काम और चिन्ह चमत्कार घटेंगे और तभी होंगे ऐसे काम जब हम अपने आप को परमेश्वर के नजदीक में नम्रता लाएंगे और नम्रता हमें मदद करता है कैसे या कबा आई थी और कैसे हम अपने जीवन को समर्पण करें और अपना जीवन प्रभु को समर्पण करें और संसार के लिए नहीं और जैसे कि याकूब का 4 अध्याय उसका 10 पद कहता है तो और परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र बना तभी वो तुझे बड़ा बनाएगा आमेन आमेन
कमोट कुम नो बंगिन पर रह गेला दे हकम हाथ जाओ उतराए और इसका अर्थ कैसे है कि हम परमेश्वर के आगे कैसे नम्र बनाए अपने आप को बंगिन वाद या उतराए कि हम परमेश्वर को ढूंढे निन नम बंगिन पुले या ककतीन का जाओ ब्ले और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समय दे और बहुत सारे ऐसे हैं जो आज के इन दिनों में और हम दौड़ कर भागते हैं कि ताकि इस दुनिया के सभी जो जानकारी है उन चीज को हम हासिल करें और हम जानना चाहते हैं जो इस दुनिया से जुड़ता हुआ जानकारी है और हम पढ़ते हैं और अपने समय को नष्ट करते हैं पुले या कि ताकि कर जीवन पर स्टार्ट या करने का जिंगमत का जिंग पर खाने जीवन पर यार या करने का जबी हैं क्या जोंगी और हम पढ़ते हैं ऐसे किताबों को इस दुनिया के जानकारी को हासिल करने के लिए जो हमारे जीवन में हमारे ज्ञान और बुद्धि और सोच विचार में भी अंतर लाता है और बहुत ही कम हो चुका है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए और ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या पुले या कख्तियन के जो उबले बंगिन या क्रिटिसाइज पन बने कख्तियन के जो उबले और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसकी तुलना करते हैं ओ कख्तियन जो उबले का दुना हलता और कख्तियन के जो उबले का लम कमता और परमेश्वर का वचन तो वहाँ पर कमजोरी है और वहाँ पर वैसा है और इसीलिए और इसीलिए परमेश्वर का वचन का कोई कीमत नहीं है ऐसे लोगों के बीच में और हम कभी परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं पाएंगे जैसे कि हम स्कूल की किताबों को पढ़ते हैं और हम बाइबल को उस तरह से नहीं पढ़ते हैं जैसे कि हम अपने कॉलेज की किताबों को पढ़ते हैं जो यूनिवर्सिटी की किताबों को पढ़ते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हमें ऐसे आत्मा के साथ पढ़ना है कि हम अपने आप को नम्र करें और तभी परमेश्वर हमें बड़ा बनाएगा जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हम उसको पढ़ते हैं ऐसे लोगों के जैसे पढ़ते हैं जो इस दुनिया को नहीं जानते हैं और कुछ विषय भी नहीं जानते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमें ज्ञान और बुद्धि देगा और हमें समझ देगा और वो समझ जो हमें परमेश्वर देगा और इस दुनिया के जो जानकारी हासिल करने वाले ज्ञानी वैज्ञानिक भी जो है वो कांप जाएंगे और कहां से इस इंसान को ऐसे ज्यादा जानकारी मिला है हालेलुया और ये होने दे कि मैं और हम सभी एक ही अपने आप को नम्र करें और हम परमेश्वर के वचन में डूब जाएं और क्या है जो इस दुनिया से जुड़ा हुआ वो सब कुछ चला जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन और वो अनंत अनंत तक टिका रहेगा और नम्रता हमें मदद करता है कि हम अपने आप को प्रार्थना में परमेश्वर के आगे समर्पण करें अग्नि किसकी जो मंदा और आज के इन दिनों में दुआई जो मंगेंगे दुआई और जो प्रार्थना जो हम करते हैं और हम ऐसे आत्मा के साथ प्रार्थना करते हैं घमंड और अहंकार भरे फरीसी हकल बंगलों में नया लुकास खप लाए लो और जो फरीसी जैसे कि मैंने आपको आगे में बताया है 13 अध्याय लुका रकमन से हम जगह जिस स्नो में और उसके अहंकार भरे हृदय से वो परमेश्वर के नजदीक गया प्रार्थना करने के लिए बोल अपने चंगे बहुत सारे हैं हमारे बीच में हम जाते हैं परमेश्वर के नजदीक और बहुत ही घमन और अहंकार भरे हृदय से और घमन भरे हृदय से ओ नी दुआई हाउ ब्ले
और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर में और हम परमेश्वर को ढक देते हैं और हम परमेश्वर को आज्ञा देते हैं परमेश्वर हमें प्राप्त उत्तर दे मैंने तेरे लिए इतने सारे कामों को किया है और मैंने तेरे कामों के लिए मदद किया है और हर इतवार को हर संडे को मैं कभी भी सेवा मिस नहीं करता हूँ अगर तू मुझे उत्तर ना दे मैं तेरी सेवकाई नहीं करूँगा ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं और इसीलिए क्योंकि उनको परमेश्वर से उत्तर नहीं मिल पाता और वो इस तरह से कहते हैं कि जिस परमेश्वर की सेवा वो करते हैं वो सच्चाई का परमेश्वर नहीं है नमार बाबती की दुआए बकी अपान उबले कद कुम का जिन क्वा का जोंती ओम कद कुम का मन का जोंग उबले क्योंकि वो मांगते हैं प्रार्थना करने करते हैं परमेश्वर में अपनी चाहतों के अनुसार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो नहीं मांगते लेकिन जब हम परमेश्वर के नजदीक में अपने आप को नम्र करेंगे जब हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु हमें ये सिखाता है और वो कहता है लॉन्ग कम ऑन जॉमी तेरी इच्छा पूरी हो कौन है जो प्रार्थना करता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और तभी जब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने प्रार्थना करना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और हम देख पाते हैं तभी हम देख पाते हैं ये परमेश्वर के उत्तर को भी और पहला योहन्ना की पत्री 5 उसका 14 अध्याय 14 पद कौन कुम दे इस तरह से कहता है और ये हमारे अंदर की भरोसा है जो हम उस पर रखते हैं कि हम जो कुछ भी उससे मांगेंगे उसके इच्छा के अनुसार वो हो जाएगा आमेन आमेन तो आए वो बंगा बनेंगे ये होने दे कि मैं और आप तो इन दुआएं हम प्रार्थना करें अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढूंढें और तभी हम शांति और आनंद अपने अंदर पाएंगे और अंतिम विषय और तीसरा विषय और नम्रता हमें मदद करता है और कैसे हम बांध पाए एक को जुड़ा पाए और हम इस दुनिया में जीवित हैं कि लोग और ये लोग ऐसे अंदर में ऐसा सोच विचार करते हैं कि एक दूसरे को बांटते हैं और जो आत्मा एक घमन का कला संसार और अधिकार कर रहा है और चारों तरफ दुनिया के चारों तरफ कला संसार और सबसे पहला अधिकार घर परिवार में कर रहा है कला संसार और व्यक्तिगत जीवन में कर रहा है कला संसार और वो अधिकार कर रहा है सारे दुनिया में जो हम देखते हैं और वो अधिकार कर रहा है यहाँ तक कि मंडलियों में भी और जो घमंड है और ताकत जो चाहते हैं और जो नाम धराई जो अपना चाहते हैं और जो बहुत ही प्रसिद्ध होना चाहते हैं और अभी सभी लोगों के अंदर में ये घुस चुका है और यही आत्मा और यही हमें ये बनाता है कि हम सोच विचार करें कि सिर्फ अपने बारे में ही हम सोच विचार करें फिलिपियन और दूसरा अध्याय उसका 3 और 4 पद कहता है कौन इस तरह से कहता है
गजिंग अपन ए ने ना गजिंग सरों और कुछ भी कठिनाई के साथ या घमन के साथ ना करो खनराई ना गजिंग स्नोरित लेकिन नम्रता के साथ दन्यो भी यकी परला और अपने साथियों को गिनो जिबा खंभा बनिया लगे जो अपने आप से भी ज्यादा मात्रा में अच्छे हो खलम नखमी और ना देखते हुए और अपने आप को ना देखते हुए एक एक को लेकिन एक एक आप में से और दूसरे से लेकर दूसरे तक परमेश्वर का वचन हमें ये याद दिलाता है कि हम जान पाए कि हम दूसरों के बीच में अपने आप को नम्र बना सके और हम ये समझ पाए कि दूसरे जो है बहुत ही जानते हैं और हमसे भी ज्यादा समझदार है और सिर्फ नाम कराने के लिए नहीं ओम बन्या कॉम्पीट और सिर्फ कंपटीशन कराने के लिए नहीं ओम बन्या बिशनी और ईर्ष्या के साथ नहीं ओम बन्या क्रंसनी और बुराई बातें बोलने के लिए नहीं ओम बन्या कवंकती युए युए और एक दूसरे को ढेला मारने के लिए नहीं ओम बन्या बिशार युए युए और दूसरे को जांच करने के लिए नहीं ओम बन्या पनरम युए युए और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं बाकीता के पोर अगली गिसकी और ऐसे दिनों में ऐसे समय में हम जी रहे हैं और हम ये समझते हैं कि सिर्फ हम ही हैं सिर्फ मैं ही हूँ जो मैं जानता हूँ वो कुछ नहीं जानता वो तो कुछ नहीं जानती वो तो बस अभी आए हैं कुछ भी नहीं जानते हैं सिर्फ मैं ही हूँ जानता हूँ सिर्फ मैं ही हूँ जो जानता हूँ सिर्फ मैं और उस मैं शब्द को आप मार डालिए प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर के संतान होने के नाते प्रभु यीशु ने हमें कभी नहीं सिखाया कि हम ये कहें कि मैं यीशु ही का ये का जीस नोरे और परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है नम्रता के विषय में का जीस जनोर और नम्रता के विषय में ही का ये का जीस याईशा और सहनशीलता के विषय में ही का ये का जीस पंडम और वो घुटने टेकने के विषय में ही का ये का जीस जाई जाई और वो नम्र होने के विषय में सिखाता है जीस जनोर और एक नम्र और शुद्ध हृदय के विषय में सिखाता है हे विश्वासियों के संतान और किस लिए इस संसार में वो शांति और वो आनंद नहीं है आज के इन दिनों में और इसीलिए कि जो आत्मा घमन का है इसीलिए और एक देश दूसरे देश के विरोध कर रहे हैं और एक पार्टी दूसरे पार्टी के विदेश में विरोध कर रहा है और एक देश दूसरे देश के विषय में विरोध कर रहा है और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विषय में बुराई बातें कर रहा है और ये मसीह के द्वारा नहीं आया है इस चीज को जाने अगर आप ऐसा है आप ये जाने कि शैतान आपको पा चुका है आज के इन दिनों में दुखी और आज के इन दिनों में वो आत्मा जो बहुत ही दुखी है और किसी भी चीज में सिर्फ विरोध ही करना चाहते हैं और आज के इस दिनों में जड़ पकड़ चुका है परमेश्वर के संतान के विषय में और जो विरोध करते हैं एक दूसरे का कहां से आया है और ये शैतान के द्वारा आया है कि शैतान और जिस तरह से शैतान ने आदम को डुबाया है घमन के द्वारा और अभी और इस हमारे पीढ़ी को भी और एक ही तरीके से और एक ही तरीके से वो कर रहा है तो हम मन फिराए अपने आप को हम नम्र बनाए कहाँ है प्रेम कहाँ है क्षमा कहाँ है एकता
आज के दिनों में ये सब नहीं है क्योंकि किसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में आत्मा में घमंड और अहंकार आ चुका है और पति पत्नी के जीवन में एक सोच विचार नहीं है और माता पिता और बच्चों के जीवन में और साथियों के बीच में और नजदीक पड़ोसियों के बीच में और गांव वासियों के बीच में भी और एक ही विश्वासियों के बीच में और जो लोग एक साथ काम करते हैं और जो लोग एक साथ प्रभु के काम को करते हैं उनके बीच में प्रेम नहीं है, एकता नहीं है क्योंकि इस शैतान ने काम किया है जो घमंड और अहंकार लाया है और माता पिता अपने बच्चों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं और बच्चे अपने माता पिता को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शैतान ने उनको बड़ा बनाया है और हम एक साथी से दूसरे साथी को माफ नहीं कर पाते हैं और एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को क्षमा नहीं कर पाते और एक ही साथ काम करने वाले भाई बहन भी अपने लिए क्षमा नहीं कर पा रहे हैं और कैसे मैं उसके सामने अपने आप को झुकाऊं और यही है जो हमें नष्ट कर रहा है छोटे से लेकर बड़े तक और किस लिए लड़ाई होता है और किस लिए ये जो गोलीबारी हो रही है और किसी लिए जो बम बारूद हो रहा है घमंड के द्वारा और नम्र होकर झुकना नहीं चाहते और अपने आप को छोटा नहीं बनाना चाहते और घर जो है बर्बाद हो रहे हैं और जो एक बर्तन दूसरे बर्तन को मार रहे हैं और जो एक परिवार जो है अलग हो चुके हैं क्योंकि घमंड के द्वारा ही अपने आप को छोटा नहीं बनाना चाहते लेकिन प्रभु यीशु वो कहता है गोपा हे पिता तो की इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं प्रभु यीशु वो हमें सिखाता है हम एक दूसरे को क्षमा करें और हम अपने आप को छोटा करें और हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं और हम कठिनाई भरे समय में जी रहे हैं जब मैं मुड़ता हूँ अपने उस जगह पर जहाँ मुझे काम करने का मौका मिला है मैं देखता हूँ कि कितना कठिनाई जो है वहाँ पर वीडियो अगर आप सोशल मीडिया में न्यूज में देखेंगे जो वीडियो जो डाले गए हैं तो मंगी क्या हम एक दूसरे के लिए ताना तानी करें क्या हम एक दूसरे को नफरत करें और यही बुलावट है हम सभी के लिए ताकि हम फिर से आए और अपने नम्र भरे हृदय से प्रार्थना करने के लिए और रोने के लिए और हम चिल्लाए परमेश्वर में हमारे परमेश्वर में और यही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा क्योंकि नीति वचन 11 उसका दो पद कहता है इस तरह से कहता है और जब घमंड आता है और तभी निंदा भी आता है लेकिन जो नम्र है उसके अंदर समझ है और नीति वचन 16 उसका 18 पद कहता है और जो घमंड है और नष्ट होने से पहले घमंड आता है लेकिन जो अहंकार भरा हृदय है और वो गिरने से पहले आता है तो आए बंगे और होने दे कि हम सोच विचार करें और अपने आप को छोटा करें
इंजेक्शन और इंजेक्शन है कि तो ये और स्टार जोंगने का प्रोटेइन बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जो इस दुनिया के हैं कि बाउब्री ओमंता और जो आज के लोग ओमशान याशो हाउ ब्ले परमेश्वर पर भी भरोसा नहीं रख पा रहे कजिंगे पा कजों ब्ले बुर पा कजिंगे ते ही जो स्लॉप कजों मन से मखोय कदर कलबन ये बीवे लार बंता से की पाम जो पर आमेन